दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके गौतम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, स्नेक वीनम एंड एंटी वीनम। सांप क्या है इंडियन व्यू में, और उनके द्वारा एंटी वीनम कैसे बनाया जाता है, हमें इसे देखना है। तो यह पूरा टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसको हम कवर करेंगे द बिग फोर विनमस स्नेक, जो इंडिया में पाए जाते हैं, जो चार इंडिया में पाए जाने वाले सांप हैं, वो उनकी बाइटिंग के मार्क्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जब सांप काटता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली क्या वही सिम्टम्स हैं जो स्नेक के द्वारा हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे इसी स्लाइड में कि केमिस्ट्री ऑफ विनम, जिसको हम जहर कह रहे हैं या टॉक्सिन कह रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है और उसकी बॉडी पर रिएक्शन क्या होती है। इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि जो कोबरा है उसका फाइट मंगूस के साथ होता है, उसे देखना है, और एंटी वीनम प्रोसेस को देखेंगे, और स्नेक बाइट प्रोटोकॉल इन इंडिया इसे भी देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। द बिग फोर, दरअसल सांप की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड पे देखें जाए तो सिर्फ चार जो ऐसे सांप हैं जिनमें है कॉमन क्रेट, आप पिक्चर से स्लाइड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर और इंडियन कोबरा नाजा। ये चार ऐसे सांप हैं जो बहुत ज़्यादा विनमस होते हैं, मतलब ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, और इनको छोड़ दिया जाए तो इनकी तुलना में बाकी बहुत कम विषैले होते हैं, और जिनसे डर कर ही हम समझ लेते हैं कि हमको इसी ने बाइट किया है। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है यहाँ दोस्तों, कि अगर किसी को दुर्भाग्यवश ये सांप काट लेते हैं तो हमें उनका आइडेंटिफिकेशन उस डॉक्टर को बताना होगा जिसके थ्रू हम एंटी वीनम लगाने जा रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे सीरियस या क्रिटिकल केसेस में होता ये है कि हमको सांप का पता ही नहीं चल पाता। अब आगे आप स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर सांप, कौन सा पर्टिकुलर जो जहर है, स्पेसिफिक जहर है, वो सिक्रीट करता है और उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है, वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, और हम जल्दी ठीक होने की बजाय से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो हमें यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज है जिसके द्वारा स्नेक बाइट हुआ है, इसलिए इसका पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश किसी को ये चीज़ हुई है तो आप उसका एक इमेज लेकर के रख लें सांप का, अगर मिलता है, या आप अपना माइंडसेट बनवा लें कि हाँ यही चीज़ थी जिसने मुझे काटी थी। अगर आपको टाइम मिलता है तो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा विनम्र हैं ये चार सांप कि पेशेंट को बहुत कम टाइम मिलता है। जब हम इसके जहर के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाइटिंग जो है, फिजियोलॉजी ऑफ स्नेक बाइट, पहले हम ये देखेंगे कि सांप काटता कैसे है, उसमें कौन सी विष ग्रंथि होती है। तो इसमें जो पेराटॉइड ग्रंथि होती है, और पेराटॉइड ग्रंथि में जहर, ये जो येलो कलर का आप स्लाइड में देख रहे हो, वो पेराटॉइड ग्लैंड में भरा हुआ होता है, और वहीं पर जो है कंप्रेशन मसल्स के थ्रू वो प्रिक करता है। जब किसी को काटता है तो आप नेक्स्ट रेड कलर का दुख रहा है, दांत के साथ में एक विनम की कैनाल बनी हुई है। जब कंप्रेशन मसल को वो प्रेस करता है तो पेराटॉइड ग्लैंड में जो विनम इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है, वो कंप्रेस होकर के बाहर दांत की कैनल के साथ, रूट कैनाल की सहायता से वो बाहर आ जाता है, और जो ह्यूमन है या कोई भी है उसकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है वो टॉक्सिन, है ना। तो अगर हम इसको कंपोजिशन के बारे में देखें तो सांप के जो जहर होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। स्नेक बाइटिंग मार्क्स, अभी हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि स्नेक बाइट किया है या कोई दूसरा और एनिमल तो बाइट नहीं किया, क्योंकि हम ग्रास में होते हैं, मोस्टली रात में चलते जाते हैं, तो कभी कोई दूसरा ही कीड़ा काट ले तो हम समझते हैं कि यार इससे सांप काट लिया है। तो सांप जब काटता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इस तरह से होंगे, दो पॉइंट जो है उसके दांतों के ये छुड़े हुए हैं स्किन में,
और आपके हाथों में क्या आना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो जैसे आप कंपेरेटिवली दिखाया हुआ है कि एक हाथ में जिसमें स्वेलिंग नहीं है, दूसरे हाथ में क्या है, स्वेलिंग है, ये दिखाई जा रही है। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया कि दो स्पष्ट जो है स्नेक बाइट साइंस दिख रहे हैं कि दो पॉइंट स्पॉट्स बने हुए हैं जिसमें से होकर के ब्लड बाहर आ रहा है, तो ये स्नेक बाइट मार्क्स कहलाते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो कौन कौन से सिम्टम्स जो होंगे वो अपियर होंगे, इसमें हमें ये देखना होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो हमारा ब्रेन हेड है ना, इसमें डिजीनेस होगी, इंक्रीज थ्रस्ट, उसको प्यास लगना शुरू हो जाएगी, हेडेक आना शुरू हो जाएगा, आँखें जो होगी वो आगे पीछे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी, सिस्टमेटिक फीवर आ सकता है, उसे दर्द हो सकता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, उंड साइट में जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, फैंग मार्क्स दिखेंगे जो आपको दो मार्क्स बताए वो दिखेंगे, डिसकलरेशन होगा, वहाँ का जो कलर है उस स्किन का वो चेंज हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पर जलन होगी और स्वेलिंग होगी, सूजन हो जाएगी। अदर स्किन साइट्स में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिख सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, पसीना आ सकता है, मस्कुलर जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो लूज हो जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब हाथ पैर ढंग से नहीं चला पाएगा, उल्टियाँ हो सकती हैं और डायरिया हो सकता है उसे। तो इस तरह के सिम्टम्स तभी होंगे जब उसे ये बिग फोर यानी जो चार बताए हुए सांप है उसे काट ले। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ वीनम, यानी जो वीनम है उसकी केमिस्ट्री है क्या, उसका कंपोजिशन क्या है, कि भाई कोई भी जो पदार्थ है वो बिना संगठन के नहीं बना होगा ना, कि सपोज उसका जो जहर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें ऐसे कौन से बायोकेमिकल्स हैं या कौन से ऐसे रसायन हैं जो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो इसे हमें इन शॉर्ट याद रख सकते हैं PPE, मोस्ट ऑफ द कोविड के टर्म में आपने PPE किट का नाम सुना होगा, तो इसी तरह से ये भी PPE है, जहाँ पर P स्टैंड्स फॉर द प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए होता है, तो विनम में प्रोटीन होता है, जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं और नॉन टॉक्सिन भी होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन का क्या काम होता है, न्यूरोटॉक्सिन का तो भाई सिंपल सा काम है कि वो क्या करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करे, लेकिन जो जहर के अंदर और भी नॉन टॉक्सिन प्रोटीन है उनका क्या काम होगा, तो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं वो इस नॉन न्यूरोटॉक्सिन प्रोटीन से बनाए जाते हैं, मतलब बाद की रिसर्च का मैटर है कि उससे जहर से भी हम दूसरी दवाइयाँ बना सकते हैं और आजकल प्रचलन में भी है। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन के बाद पॉलीपेप्टाइड्स, तो पॉलीपेप्टाइड्स तीन प्रकार के इसमें डिवाइड किया है हमने, न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन्स और हिमेटोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए जहर बनाते हैं, मतलब उसका जहर जो होता है वो ब्रेन पर असर करता है। साइटोटॉक्सिन्स का जो असर होता है वो हमारी कोशिकाओं को लाइसिस कर लेते हैं, कोशिकाओं को घोलना शुरू कर देते हैं, RBCs को डिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी मतलब हमारी सेल जो होती है वो लाइसिस होना शुरू हो जाती है, हमारी कोशिकाओं को वो क्षति पहुँचाते हैं। हिमेटोटॉक्सिन्स हमारी जो RBCs है, हमारा जो ब्लड है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ब्लड को नुकसान पहुंचाएंगे तो सीधे से क्लॉटिंग बन जाएगी, क्लॉटिंग बन जाएगी तो उसको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड जो है उनका रोल होता है। थर्ड होता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स में जैसे फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम है, वो कार्डियक सिस्टम है, लो BP ये लक्षण प्रोड्यूस करता है। दूसरा है फास्फोलाइपेस A2, ये हीमोलाइसिस करता है, इसकी वजह से जो RBC से रेड ब्लड कार्पल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड प्रोटीएजेस जो एंजाइम होते हैं ये जहर को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई पूछे कि यार सांप का जहर पीले रंग का होता है तो किस कारण होता है, तो आपको ये याद रखना रह सकते हैं कि अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड प्रोटीएजेस जो एंजाइम होते हैं दे गिव्स येलो कलर टू टॉक्सिन मटीरियल्स। दूसरा होता है कोलिनेस्ट्रेज, तो ये लूज मसल कंट्रोल, मतलब जब स्नेक बाइट होता है तो हम मस्कुलर एक्शन करना कम कर देते हैं, हाथ पैर चलाना कम कर देते हैं, सुस्तपन आ जाएगी, तो ये होती कोलियने स्ट्रेस नामक एंजाइम से। तो हमने देखा कि सांप के जहर में प्रोटीन होता है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स वो उसको कौन सी स्पीसीज देती है और उसके
फंक्शन क्या होते हैं, जिसको काटता है उसके उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो टेबल नंबर टू में हम देख रहे हैं कि न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो किंग कोबरा, आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि किंग कोबरा जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन जनरेट करता है, यानी उसका जो जहर का प्रकार है वो न्यूरोटॉक्सिक टाइप का होता है। अब न्यूरोटॉक्सिक्स जो जहर होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिससे हमको क्या हो जाती है, बेहोशी आ जाती है, अनकॉन्सियसनेस रहेगी हमेशा। फिर होता है हीमेटोटॉक्सिन्स, ये वाइपर्स जो होते हैं साहब वो हीमेटोटॉक्सिन्स स्रावित करते हैं और इसके कारण से आरबीसी डैमेज हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, हार्ट फेल्योर हो जाता है। ये सब रोल किसके द्वारा होगा, वाइपर्स जो सांप काटेंगे उसके द्वारा हीमेटोटॉक्सिन्स निकलेगा और उससे लक्षण ये होंगे। फिर आता है कि जो नाजा सांप है वो साइटोटॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे हमारी सेल डैमेज होती है, सेल लाइसिस होती है, सेल स्वेलिंग होती है। सेल डैमेज कहने का मतलब ये हुआ कि सूजन आ जाना, कोशिकाओं का टूट फूट जाना, सेल लाइसिस कोशिकाओं का घुल जाना और स्वेलिंग, और एज ए रिजल्ट क्या होती है वहाँ पर हमको सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो ये साइटोटॉक्सिन्स करते हैं। अब कुछ जो जहर होता है वो स्पेसिफिक ओरिएंटेड होता है, मतलब पर्टिकुलर सांप पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉक्सिन को हमेशा क्या करता है, सिक्रीट करता है, यानी विशिष्ट प्रकार का वो जहर को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से। तो जो टॉक्सिन्स है वो है अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और किंग कोबरा के द्वारा अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स निकलता है। दूसरा है इराब्यूटोटॉक्सिन्स, ये हिमोरेज कर देता है, हिमेटोटिस कर देता है। हिमोरेजेस मतलब ये होगा कि भाई जो वो खून की उल्टी करना शुरू कर दे, खून की पेशाब शुरू कर देना कर देता है जिस इंसान को ये काटता है। ये इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर होता है, इसके द्वारा होता है। अल्फा बंगरोटॉक्सिन, ये क्रेट के द्वारा, जो क्रेट का इमेज दिखाया था आपको, क्रेट जो है उससे हमको मिलता निकलता है अल्फा बंगरोटॉक्सिन, इससे पैरालिसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डैमेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर होता है नाजा, नाजा जो होता है वो पैरालिसिस कर देता है हमारी बॉडी में, पूरा का पूरा हमारी बॉडी बॉडी जो होगी वो काम करना बंद कर देगी, लकवा लग जाएगा शरीर को, और इस टॉक्सिन को कहते हैं कोबेरोटॉक्सिन्स। जो नाजा होता है वो कोबेरोटॉक्सिन स्रावित करता है, क्रेट अल्फा बंगरोटॉक्सिन स्रावित करता है, और इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर जो होता है इराब्यूटोटॉक्सिन स्रावित करता है, किंग कोबरा जो होता है अल्फा न्यूरोटॉक्सिन स्रावित करता है। अब इनका विचार इस स्लाइड में रखने का मतलब ये है कि हमने पहले बात की थी कि आपको ये आइडेंटिफाई भी करना होता है कि किस पर्टिकुलर, क्योंकि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये बात जानना कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज के सांप के द्वारा आप बाइट हुए हैं, क्योंकि अगर उसे उसकी स्पेशलिटी पता नहीं होगी तो हम उसका जो ट्रीटमेंट का जो मोड है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लो आपको काटा क्रेट ने, आप इलाज करवा रहे हो नाजा की, काटा आपको किंग कोबरा ने, आप उसको क्रेट वाला एंटीविनम यूज़ कर रहे हो। तो स्पेसिफ जो है स्पीसीज आइडेंटिफाई होने से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक सही डायरेक्शन में पहुंच जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है। फिर डॉक्टर्स को एक फर्दर रिसर्च की ज़रूरत होती है, तब उसके द्वारा निकलने वाला जो टॉक्सिन है उसकी जो हमारा एसिटिकोलिन है, आगे हम बात करेंगे, उसके साथ जो बाइंडिंग नेचर है उसका, उसको देखना होगा कि वो उसके साथ बाइंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये इतना डीप नॉलेज है कि मुझे इस स्लाइड बनाते समय में ये जो टॉपिक था केमिस्ट्री ऑफ विनम, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो द फेलो ऑफ केमिस्ट्री, तो मुझे ये जो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग लगा इसमें। तो कंक्लूजन अगर हम देखें इसमें, तो हमको जो विनम होता है उसके जहर में, विनम में प्रोटीन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हमें ये लगता है कि यार आपने एक मिथ सुना होगा कि सांप और जो मंगूस है वो दोनों फाइट करते हैं, सांप का जहर जो होता है वो मंगूस को नहीं लगता। हाउ इट इज़ पॉसिबल, इंसान तो पानी नहीं मांगता, खून की उल्टी करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है मंगूस में वो सांप के जहर से बच जाता है, ऐसा क्या है कि ये चीज़ इसमें नहीं हो रही। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो लड़ाई करते समय कहीं छुप करके जा करके घास खा लेता है, और वो घास जो होती है उसकी दवाई के रूप में काम करती है मंगूस की। तो ऐसा ही कुछ बहुत कहानियाँ सुनी हुई हैं और ये दोनों की फाइट बहुत फेमस है। तो इसके लिए हम निकल के आते हैं कि जो
दरअसल जिसको आप सांप समझ रहे हैं और जिसको हम नेवला समझ रहे हैं या मंगूस समझ रहे हैं, वो केमिकली आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि अल्फा बंगरोटॉक्सिन्स होते हैं सांप के जहर में, और दूसरा जो मंगूस है उसमें होता है निकोटिनिक एसिटिकोलिन रिसेप्टर। तो सांप का जहर निकोटिनिक एसिटिकोलिन रिसेप्टर के साथ जो है कोई रिएक्टिविटी सोनी प्रदर्शित कर सकता, कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता, और सांप का जहर वही होगा उसी सिचुएशन में किसी ब्लड के साथ किसी मसल्स के साथ होगा जब जहर का मसल के साथ क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो, तभी ना उसमें एंजाइम क्या करेंगे, वो लाइसिस करेंगे, अपने रोल्स वो करेंगे, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स पुराने बॉन्ड तोड़ करके नए बॉन्ड बनाएंगे। तो कुल मिला करके ये है कि जहर का हमारे ब्लड के साथ क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ पर मंगूस और सांप में आप देख रहे हो कि दोनों के जो टॉक्सिन्स हैं उनमें कोई रिएक्टिविटी सो नहीं होती, उसका जो मसल्स है नेवले का वो उसके जहर के साथ क्रियाशीलता प्रदर्शित ही नहीं करता, उसकी चेन को वो तोड़ता ही नहीं है। तो वो ऐसे रेसिड्यूअल पार्ट के रूप में, घाव के रूप में बचा रहेगा उसके शरीर में, और वो उसको कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। तो इसका रीज़न और हम निकाल करके बताते हैं कि इसमें जो लिगेंड बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि लिगेंड बाइंडिंग साइट्स कैसे निकोटेलिन एसिटिकोलिन रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करती है, तो इसमें मंगूस के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करती। नाजा नाजा के द्वारा जो अल्फा बंगरोटॉक्सिन निकलता है उसकी रिएक्टिविटी नेवले के मस्कुलर जो केमिकल हैं उसके साथ प्रदर्शित नहीं होती है। लेकिन अगर यही माउस के साथ कर दिया जाए, उसके जहर को मिला दिया जाए, तो उसके साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है और माउस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर चूहे के साथ लड़ाई करेगा वो तो चूहा मर जाएगा और नेवला जिंदा रहेगा। तो कारण यही है कि उसकी रिएक्टिविटी जो मंगूस में एसिटिकोलिन जो रिसेप्टर होता है उसके साथ टॉक्सिन की रिएक्टिविटी नहीं होती है, इस कारण से नेवले पर सांप का असर नहीं पड़ता है, वो बाहर जाकर के कोई दवाई ववाई नहीं खाता है, ये सब भ्रांति है। दूसरा, फ्लूट प्लेइंग एंड रिवेंज ऑफ स्नेक्स। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपने सुना होगा कि वो बीन बजाता है या कोई बांसुरी बजाता है, सांप उससे नाचने लगता है। तो क्लियरली मैं बता दूं कि सांप जो होता है उसमें हेयर्स जो होते हैं वो विकसित नहीं होते, वो केवल ग्राउंड ले जो वाइब्रेशन होती है, बहुत छोटी वाइब्रेशन होती है, जो सतह की वाइब्रेशंस होती है केवल उस वो महसूस करता है, बहुत लो वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो चार्मर होता है, फ्लूइड चार्मर या बीन बजाने वाला जो होता है, वो क्या करता है कि उसका ध्यान भंग करते जाता है सांप का, ताकि सांप डायरेक्ट उसको हिट ना करे। तो बीन का काम क्या होता है कि सांप का ध्यान भंग करना, सांप अगर मारेगा भी तो वो बीन जो आगे लंबा निकला रहता है उसकी केनाल, उस पर ही अपना बाइट करेगा। तो इस तरह से वो जो चार्मर होता है या जो बीन बजाने वाला होता है वो उससे सुरक्षित रहता है, बीन बजाने से मतलब उस बीन के द्वारा निकलने वाले वाइब्रेशन सांप को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसकी आंखों के थ्रू उसको नचाता है। ठीक है, और फिर आपने देखा होगा कि हमारे सिनेमा जगत ने बहुत सारी फिल्म बनाई है सांप के ऊपर, वो बताते हैं कि सांप जो होता है वो बदला लेता है। तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक कैमरा और कोई चीप उसके दिमाग में नहीं रहती, कोई मेमोरी कार्ड नहीं रहता कि वो आपकी फ़ोटो खींच ले मारते समय और फिर बाद में आकर के वो आपको बदला दिल्ली मुंबई कलकत्ता पहुंच जाए जहां आप रहते हो, आपने सपोज़ कलकत्ता में सांप को मारा और वो बम्बई में आकर के आपका बदला ले रहा है। तो ये सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल है, समय बदल गया है, फिल्म मेकर्स को ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अब हम साइंस ओरिएंटेड भी फिल्म बनाएं, रिसर्च मूवी बनाएं, जिससे नए लोगों में जो है इन भ्रांतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। पुराने लोगों ने बनाया, वो दौर अच्छा था, चलो उस समय मूवीज़ चल गई, आज रिसर्च मूवी बनानी चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एंटी नगीना जैसे बनाना चाहिए फिल्म। तो आपने देखा कि हम बदले की बात कर रहे हैं, तो बदले की बात क्या होती है कि जब मेल और फीमेल जो सांप होते हैं जब वो कॉपुलेशन करते हैं, मेटिंग करने की सोचते हैं, संभोग करने की सोचते हैं, तो फेरोमोन्स स्रावित करते हैं। अब इस फेरोमोन्स को क्या होता है कि दूसरा जो सांप होता है वो सूंघता है उसको, उसके प्रति वो आकर्षित होता है।
फेरोमोन से उसकी पोजीशन का पता लग जाता है कि वो किस पोजीशन में है। आपने देखा होगा ना कि भाई हम खाना ह्यूमंस में जैसे बात करेंगे, किचन में जब महक आना शुरू हो जाती है तो हमको भूख लगना शुरू हो जाती है और हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि खाना किस तरफ बन रहा होगा। तो सेम काइंड ऑफ फिनमना अकर्स विद स्नेक्स या और भी बहुत सारे जो जंतु हैं, सब में फेरोमोन्स के कारण वो बहुत दूर दूर से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से ढूंढते हुए अपने जो पार्टनर को ढूंढते हुए वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जैसे नांग और नांगीन है तो वो क्या फेरोमोन स्रावित करते हैं, और फेरोमोन स्रावित करने वाले जो ऑर्गन को वीरोनोसल ऑर्गन कहते हैं। तो वीरोनोसल जो ऑर्गन होता है उसमें ये आप देख रहे हैं पॉइंटेड वाइज फेरोमोन सिक्रीट होता है और जो दूसरे को दूसरा सांप उसको आकर्षित कर लेता है। फीमेल में होने वाला जो फेरोमोन्स है वो एक्स्ट्रा टेट्रा इनॉल होता है, और जो मेल सांप होता है जैसे हम बात की करें नांग की तो एंट्रो एस्ट्रा इरेनोल होता है, मतलब एक में कीटोनिक ग्रुप होता है और एक में अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये कीटोन और अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से जो मेल जो होता है वो क्या करता है स्रावित करता है कीटोन। मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स जो होते हैं ना कीटोन से बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसके कारण फीमेल जो होती है उसको सूंघ करके मेल के प्रति आकर्षित होती है। और जब दोनों में मिलन होता है, दोनों मैटिंग कर रहे होते हैं, अगर उस तरह उस टाइम में कोई बैटिंग कर दे, कोई उनको मार दे, तो वो जो फेरोमोन्स है वो कहाँ लग जाता है, मारने वाले शस्त्र पे लग जाता है। मतलब सपोज लाठी पर लग गया, लठ पर लग गया, बांस के किसी उस पर लग गया, और फिर उसको हम बिना धोए घर में ला करके रख देते हैं, तो वही कोई एक बचा हुआ सांप उसको जो सूंघते हुए आ सकता है। मतलब दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, पर साइंटिफिकली ये भी प्रूफ नहीं है, पर हम ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जिसको हम कहते हैं कि सांप पीछा कर रहा है, बाकी उसकी मेमोरी में ऐसा कोई कार्ड नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता कि वो आपकी फ़ोटो खींच ले और बाद में आकर के आपको बदला ले जैसे फिल्मों में बताया जाता है। ये सिर्फ एक मीथ है, ब्लाइंड साइंटिफिक स्पेकुलेशन पहुँचाने का काम करता है ये। तो इट इज़ क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं जो मेन हमारा टॉपिक था कि सांप का कोई तोड़ तो होता होगा, है ना, तो उसे कहते हैं एंटी वीनम प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था बचपन में कि यार ये सांप का एंटी वीनम बनाया कैसे जाता होगा। तो हमने सोचा कि यार नेवले के द्वारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन नेवले का वॉल्यूम इतना छोटा होता है और नेवला जो होता है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। तो साइंटिस्ट ने चुना, घोड़े को चुना, सीप को चुना, भेड़ों को चुना और ऊंट को चुना। तो उन्होंने पाया कि ये तीन जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनमें इम्यून सिस्टम इनका बड़ा डेवलप्ड होता है। दूसरा ये कि बॉडी मास भी ज़्यादा होता है, मतलब हम उससे ब्लड निकालें तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सांप का जो एंटीविनम बनाना है वो बड़े कम मात्रा में बनता है, और कम मात्रा में बनता है और आवश्यकता ज़्यादा होती तो हमें ऐसे एनिमल्स की ज़रूरत होगी ना जिससे हमको ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसके लिए क्या होता है कि इन पावरफुल इम्यून सिस्टम वाले जैसे हॉर्स का हमने एग्जांपल लिया, तो हॉर्स को सबसे पहले क्या किया जाता है कि बाइट किया जाता है सांप के द्वारा, मतलब बहुत लो वॉल्यूम जो होता है कंसंट्रेशन का उसके द्वारा उसको बाइट किया जाता है। इससे जो हॉर्स है उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, और इम्यून सिस्टम डेवलप होने से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब पहले सांप के जहर को दिया गया, इंजेक्ट किया गया किसमें, घोड़े में, और घोड़ा क्या हो रहा है धीरे धीरे उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, और इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है रोग प्रतिरोधात्मक उसमें क्षमता उत्पन्न हो रही है, और साथ ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तब उस घोड़े से ब्लड को क्या कर लिया जाता है, निकाला जाता है। दिस इज द कॉल्ड द ब्लड कलेक्शन फ्रॉम द हॉर्स एंड प्लाज्मा सेपरेशन। जब कलेक्टेड जो ब्लड है उसको हम स्थिर रख देते हैं ताकि उससे प्लाज्मा क्या हो जाए, निकल जाए, प्लाज्मा उससे बाहर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडी प्योरिफिकेशन इन द लैब, जब उससे प्लाज्मा निकल जाता है तब हम उसमें एंटीबॉडी जो लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशाला होती हैं, उसमें से हम एंटीबॉडी को भी अलग करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। उसके लिए HPLC और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरीज में उनका उपयोग किया जाता है। फर्दर साइंटिस्ट की लैब्स को परीक्षण करते जाती है अलग अलग वेक्टर्स में कि क्या ये एंटीबॉडीज के काम की है या नहीं है।
तो इस तरह से फिर एंटीवीनम क्या होता है, बन जाता है और हम उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, वैक्सीन के रूप में ले लेते हैं। तो वैक्सीन के रूप में लेने का एक भी तरीका होता है बायोलॉजी साइंस में, कि हम उसको एकदम फ्रिज क्रिस्टल के रूप में बना लेते हैं। तो आप जो कोई इंटरेस्टेड होगा तो वैक्सीन का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फ्रिज किया जाता है। अब यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सांप को घोड़े से डसवा दिया, फिर घोड़े में एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उसका ब्लड कलेक्शन करके प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया, और प्लाज्मा को सेपरेट करने के बाद उससे हमने एंटीवीनम बना लिया। और वो मार्केट में और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसकी सप्लाई चालू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है एंटीवीनम में, जो उसकी मैकेनिज्म क्या है कि सांप के जो टॉक्सिन्स है वीनम को एंटीवीनम के साथ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ कि एंटीवीनम न्यूट्रलाइज द पॉइजनस वीनम ऑफ द कोबरा। एंटीवीनम जो होता है वो पॉइजनस वीनम को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब आपने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सुना होगा ना, या साधारण अर्थों में हम कहें कि भाई सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया और हम उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी ऐड कर रहे हैं मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, नमक का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उदासीनीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ भी विनम का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, एंटीविनम के द्वारा किया जाता है। तो इससे होता ये है कि जो रिसेप्टर साइट है वो उससे अलग हो जाता है। मतलब जहाँ पर सांप किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को सांप ने काटा, तो उसका जो टॉक्सिन है उसकी रिसेप्टर साइट में क्या हो गया, जमा हो गया। जमा होने के कारण वो कहीं हीमेटोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है, वो न्यूरोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है, कार्डियो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। तो जब हम एंटीविनम डालते हैं तो उस जगह से वो रिलीज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, अलग हो जाता है। और वो एसिटिकोलिन जो रिसेप्टर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और नॉर्मल रेस्पिरेशन होने लगती है। और जो एंटीविनम है और न्यूट्रलाइज विनम है दोनों उत्सर्जन, जो हमारी बॉडी के उत्सर्जी ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर साइट्स दैट वर प्रीवियसली ब्लॉक्ड बाय द विनम आर नाउ फ्री टू इंटरेक्ट विद द एसिटिकोलिन मॉलिक्यूल। तो एसिटिकोलिन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जो होता है उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो रिलीज हो जाती है। पहले वो बॉन्ड बना लेते थे, इसलिए तो रिएक्शन हो रहा ना, सांप ने काटा तो एसिटिकोलिन जो मसल्स है उसके साथ क्या हो रही, रिएक्शन हो रही है। अब एंटीविनम दिया तो उसकी रिएक्शन क्या हो गई, उसकी बाइंडिंग साइट से विनम रिलीज हो गया, विनम हट गया, जहर हट गया और एंटीविनम उस पर जा करके जुड़ गया, और इस तरह से ये बॉडी से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें स्नेक बाइट प्रोटोकॉल देखेंगे कि इंडिया के अंदर स्नेक बाइट के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, डॉक्टर्स किस चीज़ को फॉलो करने की सलाह देते हैं और किस चीज़ की फॉलो करने की सलाह नहीं देते। तो WHO कहता है कि 80% जो है ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में सिर्फ जड़ी बूटी और इन चीज़ों को ही लोग उपयोग करते हैं, और 20% जो है वो वीनम का या मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये कितनी बड़ी कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का या पूरे वर्ल्ड में कि 80% लोग आज भी जो लोग प्रचलित तरीके हैं उन्हीं पर भरोसा करके ये करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इन अ कंक्लूजन आपको मैं बता देता हूँ कि डोंट टेक द पेशेंट टू अ तांत्रिक और अ स्नेक चार्मर फॉर ट्रीटमेंट। बहुत सही बात है कि आपको इसको किसी चार्मर के पास लेकर के नहीं जाना है या किसी तांत्रिक के पास लेकर के नहीं जाना है ना। साउंड के वाइब्रेशन से जो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन है वो पिघलने वाला नहीं है, उसका लाइसिस पॉसिबल नहीं है केमिकली अगर हम देखें तो। सक द माउथ, माउथ से हमको जहर नहीं निकालना चाहिए। कट द उंड ओपन, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर आप काट दीजिए यहाँ पर सांप ने काटा है ताकि ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो हो जाए, तो ये भी लॉजिकल नहीं है, WHO उसको मानता नहीं है। कट द वुंड ओपन, घाव को खुला नहीं छोड़ना है। डोंट टाई लिगेट्स अराउंड द वुंड, जहाँ पर काटा है उसके बाहरी भाग में टाइटली नहीं बांधना है। मतलब बहुत थोड़ा बहुत अब बांध सकते हैं, इम्यूनलाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट नहीं बांधना है। बर्न द वुंड, कुछ लोग घाव को जहाँ पर सांप काटता है वहाँ पर जो घाव बनता है उसी को जला देते हैं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है और उसकी हार्ट ब्लड जो है रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा और जहाँ तक नहीं पहुँचना था वीनम को वहाँ तक पहुँच जाएगा जलाने से। अप्लाई हर्बल पेस्ट
ओवर द ऊंट, कुछ भी जो दिमाग में आए उस चीज़ को उपयोग नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इमोबिलाइज द अफेक्टेड लिम, जहाँ पर काटा हुआ है उसको इमोबिलाइज करना होता है, मतलब 3 बैंड्स लगाने होंगे आपको हल्के हल्के, ताकि उसका जो टॉक्सिन मटेरियल है उसका फ्लो आगे के अंगों में ना पहुंच पाए। अप्लाई बेसिक फर्स्ट एड, वॉश द ऊंट विथ सोप एंड वाटर, आपको साबुन और पानी से उसको ऊंट को धोना है, क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं कभी कभी केसेस में, अभी एक साउथ में एक केस आया कि एक महिला थी उसको मंगूस ने काट लिया। अब एक भ्रांति फैल गई कि भाई मंगूस के काटने के द्वारा जो है वो इंसान मर गया, जबकि मंगूस तो बहुत बहुत जगह डोमेस्टिक की तरह लोगों के साथ रहता है वो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो रिसर्च करके जब देखी गई, उसकी ऑटोप्सी करके देखी गई, तो ये पाया गया कि जो मंगूस है वो उसकी जो लार है उसके सलाइवा में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, स्टेफाइलोकोकस इकोलाई बैक्टीरिया, तो उसके संक्रमण के द्वारा मरी वो। मतलब डायरेक्ट उन्हें ट्रीटमेंट नहीं कराया, 6 महीने बाद हॉस्पिटल लेकर के आए और 6 महीने बाद उसकी डेथ हुई, तो मतलब वो इन्फेक्शन के द्वारा ख़त्म हुआ। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि आपको उसको प्रॉपरली घाव को क्या करना होता है, वॉश करना होता है किसी भी प्रकार के बाइट केसेस में, कहने का मतलब ये है। दूसरा ये कि रश द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपको सबसे पहला काम ये करना है एज पॉसिबल एज स्नेक बाइटर जो मैन है फीमेल है उसको आपको हॉस्पिटल की ओर लेकर के जाना है, क्योंकि वही आपका सबसे अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। दूसरा, ताकि वो वहाँ पर जाकर के उसका क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, प्रॉपर उसको वेंटिलेशन दे सके, वैक्सीनेशन दे सके। तो इस तरह से आप उसका स्नेक बाइट का एक फर्स्ट एड या इलाज करवा सकते हैं। चार्मर या तांत्रिक के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि आपने जितना अभी तक इस वीडियो को देखा तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ इतना संभव नहीं है जितना हमें लगता है। दूसरा, इस पूरे मटेरियल को सर्च करने में मुझे बहुत सारे सोर्सेस की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े। मुझे नहीं पता 10-15 मिनट का ये वीडियो बना होगा अभी लाइव, लेकिन इसको पूरा तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 150 घंटे लग गए, ताकि इतनी सिंप्लीफाई तरीके से ये बात मैं आपको पहुँचा सकूँ। इसमें मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा इस पूरे कंटेंट को प्रिपरेशन करने के लिए मेरे प्रोफेसर डॉक्टर एस के वाजपेयी, प्रोफेसर मंजुला वाजपेयी मैम और मेरे आराध्य गौतम सर और मेरी वाइफ पर्टिकुलर, ताकि मैं जब तैयार कर रहा था तो मुझे चाय नाश्ता वो टेबल पर ला करके दे रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी फॉर प्रिपेयरिंग दिस कंटेंट। और आप सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें आप और लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि आपका ये इंटरेस्ट बना रहेगा। थैंक यू सो मच।